जिला पदाधिकारी मधुबनी के निर्देश पर बेनीपट्टी DCLR सह वरीय पदाधिकारी राजू कुमार ने प्रखंड मुख्यालय पंचायत बिस्पी में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। सबसे पहले उन्होंने PHC बिस्पी पहुंच वहां की व्यवस्थाओं को देखा, जहां गंदगी का अंबार देख बिफर पड़े। इसके बाद उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली हेल्दी फूड, एम्बुलेंस, दवा आदि की जानकारी ली एवं मौके पर उपस्थित डॉक्टर साहिबा को कई तरह के निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जांच की। जांच के क्रम में बच्चों को दी जाने वाली सुविधा एवं शिक्षा की जानकारी ली। बच्ची को दी जाने वाली नैपकिन की अनुपलब्धता, चाइल्ड लाइन डिस्प्ले, आगंतुक पंजीक का एंट्री सही से नहीं होना, क्रय समिति का गठन नहीं होना आदि पर उन्होंने निर्देश दिए। जांच के क्रम में पंचायत सरकार भवन के RTPS काउंटर बंद पाई गई। वही वार्ड संख्या 12 एवं 13 में अभी तक नलजल योजना पूरी नहीं देख संबंधित व्यक्ति पर केस करने की बात कही। DCLR श्री कुमार ने मौके पर पत्रकारों को बताते हुए कहा कि जांच के दौरान कई कमियां पाई गई है। इस संबंध में संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी को दिशा निर्देश दी गई है, साथ ही जिला पदाधिकारी को भी समेकित प्रतिवेदन भेजा जाएगा। मौके पर BDO मनोज कुमार, JE खुशबू कुमारी, BEO महेश पासवान, मुखिया बेचन सहनी सहित कई लोग मौजूद थे। OPD से अभी आए हैं, अब यहाँ जो पेशेंट होगा ना। नाम तो नहीं बताइयो, आप भर दिन भर दिन वाजी डॉक्टर जी के साथ में आप भी यहाँ के नाम बता रहे हैं। नाम चले यार मोबाइल में जे आदमी के साथ में हरदम गौरव का नाम नहीं जनवर है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।